नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लावनी प्राणायाम के बारे में। प्लावनी प्राणायाम जो हठ योग में बताया गया है, घेरण संहिता में इसके बारे में नहीं बताया गया। तो हठ योग में प्लावनी प्राणायाम क्या कहता है, श्वास भरकर आपने कुंभक लगाना है और ये दीर्घ काल तक होगा, थोड़े समय के लिए नहीं। उसमें क्या करना है, श्वास को पेट तक भर के आपको रोक लेना है और उसके बाद आसन लगाकर जल में उतर जाना है और वहीं पर आप जल में जब तक चाहें उसी प्राणायाम से रुके रहें। फिर धीरे से आप श्वास छोड़ के फिर दोबारा से जा सकते हैं, लेकिन ये आपके करने की क्रिया हुई। ठीक है, देखिए कैसे। तो दोस्तों, प्लावनी प्राणायाम में आपने श्वास नाभि तक भरना है, पेट पूरा फूल जाएगा और उसके बाद आप जल में उतर के पद्मासन लगा के जल पर तैरते रहेंगे। आपका शरीर इतना लाघव हो जाएगा, हल्का हो जाएगा कि आप पानी में दीर्घ काल तक रह सकते हैं। हल्कापन होने की वजह से आपका अगर इसका अभ्यास हो जाए तो आप पानी पर चलने का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अभ्यास के बाद ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लावनी प्राणायाम हल्कापन लेकर आता है, कुंभक का इसमें अभ्यास ज़्यादा होता है, रेचक और पूरक का अभ्यास कम रहता है। इसमें केवल कुंभक पे फोकस है। और दोस्तों, प्लावनी प्राणायाम हठ योग में ही बताया गया है, घेरण संहिता में नहीं बताया गया। इसके बारे में हल्कापन आपको किस ढंग से आपको बताया ही है, अभ्यास के अनुसार क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, योगी के अनुसार पूरा विधान रहेगा। और ये हमारा हठ योग के अनुसार आठवां प्राणायाम पूरा होता है। नमस्कार दोस्तों।